तो लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने शुरू किया था। ये बीएससी पार्ट वन और क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी उपयोगी टॉपिक है। और पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स का उसके उचित जगह पे, जो उसका जगह फिक्स्ड है, उसके ग्रुप में या पीरियड में रख सकते हैं। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स एट द करेक्ट पोजीशन, यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट नोइंग द एटॉमिक नंबर और गोइंग थ्रू द अबव चार्ट और कैलकुलेटिंग द एटॉमिक नंबर्स एंड देन फिलिंग इन द एस पी एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। सो यू हैव टू राइट द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से। Elements from the electrons from the valence shell only participate in the reaction. They are responsible for magnetic properties, color, etc. So in today's lecture, I'll discuss the variation of atomic radius in periodic table. So it is the first periodic properties. So let us begin. What is atomic radius? Atomic radius hai kya? So hum log generally क्लास टेंथ में, नाइन्थ में, जहां कहीं भी आपने पहली बार आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो वहां पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी है। अब फिर सवाल आता है कि किस इलेक्ट्रॉन की दूरी है, तो लोग बच्चे कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी है। लेकिन जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, no free existence of atoms except for noble gases elements, helium, neon, krypton, xenon, they are having the free existence. All other atoms are found in the form of molecules, like hydrogen atom is found in the form of H2, two hydrogen makes H2. So you don't have hydrogen atom, rather you have a hydrogen molecule, like where two hydrogen nucleus, they are combined together and forming a hydrogen molecule, this molecule you have. So atom ka existence hi nahi hai, ya jab bhi hai to combined form mein hai, molecule ke form mein hai, chote molecule, diatomic, triatomic ya bade molecule, polyatomic ke form mein hai. Dusra baat hai ki yadi atom ko hum log mane bhi ki iska free existence hai, jaise helium, neon, argon, krypton, xenon ka, तो फिर यह जो एक शार्प बाउंड्री हम लोग बनाते हैं ऑर्बिट के लिए, उसका कोई ये शार्प बाउंड्री नहीं है, क्योंकि एटम वेव के तरह से है और यह वेव आगे पीछे भी रह सकता है, यह इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है जो वेव के फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ये दूसरी बात है। और तीसरी चीज क्या है कि एटम बहुत छोटे होते हैं, एटम्स का साइज जो है वो नैनोमीटर से भी कम है, 10^-9 meter, और यू कैन से इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रम, 10^-10 meter इज द एंगस्ट्रम साइज। सो एटम्स आर लेस देन नैनोमीटर साइज, 10^-9 meter, एंड यू डू नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द रेडियस ऑफ द एटम एज सच। तो एटॉमिक रेडियस एक भेग टर्म है और इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो एटम कंबाइन करते हैं उस मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस है, और उस मॉलिक्यूल से हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या बताया मैंने अभी, है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। तो यह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं भी कहते हैं, यह बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट किया जा सकता है। और बॉन्ड लेंथ हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, और यह बॉन्ड लेंथ जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो
तो इसका जो DH2 बॉन्ड लेंथ है इसका वैल्यू है 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब यदि हम लोग यहां मान लें एक हाइड्रोजन का रेडियस RH है तो दिस DH2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2RH, सो RH इक्वल्स टू हाफ ऑफ DH2, जहां DH2 क्या है बॉन्ड लेंथ। तो यह RH हो गया 0.74 एंगस्ट्रॉम बाय 2 यानी 0.37 एंगस्ट्रॉम। अब यह 0.37 एंगस्ट्रॉम हम हाइड्रोजन का यहां पर रेडियस लिखते हैं। अब आपको लगेगा कि बोर्स थ्योरी में से जब हम हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का डिस्टेंस निकालते हैं तो वह डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम का आता है। कितना डिस्टेंस आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये ज्यादातर बच्चों को याद होता है। अब उससे ये काफी कम हुआ तो एटॉमिक रेडियस किसको लिया जाए, 0.53 एंगस्ट्रॉम को लिया जाए या 0.37 एंगस्ट्रॉम को लिया जाए? तो 0.53 एंगस्ट्रॉम एक थ्योरेटिकल रेडियस है, वह कल्पना है जहां हम यह मानते हैं कि हाइड्रोजन का एक फ्री एटम एग्जिस्ट करता है और उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो हम हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में H2 में ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ, बॉन्ड लेंथ हुआ, उस बॉन्ड लेंथ का आधा जो निकाला ये हमारा कोवेलेंट रेडियस हुआ। तो हाइड्रोजन का 0.37 एंगस्ट्रॉम जो ये रेडियस है, इस रेडियस को हम यहां पर कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। आप देखिए इसको, सभी नॉन मेटल्स के लिए, फॉर ऑल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स दियर कोवेलेंट रेडियस इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस। जैसे इसी तरह से दो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा साइज का है, इसमें कई ऑर्बिट्स हैं। अब ये दो क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करता है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। ये देखिए इसके बीच में बॉन्ड बना, ये हो गया Cl2 का मॉलिक्यूल। तो Cl2 में हम DCl2 जब निकालते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से तो इसका वैल्यू आता है 1.98 एंगस्ट्रॉम का। ये हाइड्रोजन से काफी बड़ा डिस्टेंस हुआ, बॉन्ड लेंथ हुआ, तो RCl हाफ ऑफ DCl2 और ये हो गया 0.99 एंगस्ट्रॉम। सो योर दिस 0.99 एंगस्ट्रॉम या 99 पिकोमीटर, अभी हम लोग रेडियस को पिकोमीटर में भी लिखते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, तो 99 पिकोमीटर भी इसको लिखा जा सकता है। तो यह 99 पिकोमीटर क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस हुआ जो एक्चुअली कोवेलेंट रेडियस है। अब दूसरी बात हम देखेंगे यहां पर, यदि नॉन मेटल्स के लिए यह हो गया तो फिर हमारा मेटल्स के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा। मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स देयर मेटालिक रेडियस रेडियस इज द एटॉमिक रेडियस।
अब यह मेटालिक रेडियस क्या है, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको होगा। तो मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं और फ्री मेटल आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, देखिए मेटल में फ्री मेटल आयंस है Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन है जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यह Mn प्लस लैटिस पॉइंट्स पे होते हैं। सभी लैटिस पॉइंट्स पर मेटल में Mn प्लस है, और ये इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर घेरे रहते हैं इसको, ये मेटालिक बॉन्ड है जहां पर लैटिस पॉइंट्स पे मेटालिक आयन है, पॉजिटिव चार्ज मेटालिक आयन है और इलेक्ट्रॉन्स इसको घेरे हुए, और ये सॉलिड स्टेट्स में सॉलिड्स में इस फॉर्म में पाया जाता है। तो यहां पर जो दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी हुई, ये दूरी इसको हम लोग कहते हैं डीएम, यानी इन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड लेंथ, एंड दिस मेटालिक बॉन्ड लेंथ डीएम डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स टू आर ऑफ एम, यानी मेटालिक रेडियस। और चूंकि मेटल सॉलिड होते हैं तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से आप इनका डिस्टेंस जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आसानी से निकाल सकते हैं, और उसमें दो से भाग करके हम लोग मेटालिक रेडियस निकालते हैं, और यह मेटालिक रेडियस ही इसका एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस एक्चुअली एक भास टर्म है जिसमें कोवेलेंट रेडियस भी आ गया, मेटालिक रेडियस भी आ गया, और नोबल गैसेस के लिए उनका वंडरवाल रेडियस एटॉमिक रेडियस होता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस में बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, ना तो मेटालिक बॉन्ड है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हालांकि अब जेनॉन के कंपाउंड्स बनने लगे हैं, जेनॉन के फ्लोराइड्स ऑक्साइड्स ऑक्सो फ्लोराइड्स मिलते हैं, लेकिन हम लोग बाकी सभी नोबल गैस को यदि कंसीडर करेंगे तो नोबल गैसेस में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, और तब उसका रेडियस क्या लेंगे, तो उसका रेडियस हम लोग वंडरवाल रेडियस लेते हैं। या वंडरवाल रेडियस क्या है, वीक वंडरवाल इंटरेक्शन से जनरेट होता है। यदि हम नोबल गैस को कूल करेंगे ठंडा करेंगे तो बिना बॉन्ड बनाए हुए वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और उस समय जो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस ही हम नोबल गैस के लिए बॉन्ड लेंथ कहेंगे। हालांकि यहां बॉन्ड लेंथ टर्म सही नहीं है, और ये जो डी है इस डी का हाफ जो हुआ ये आर ऑफ नोबल गैस कहलाता है, और इस आर को हम लोग उसका वंडरवाल रेडियस कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड में इसी तरह से हम लोग आयनिक रेडियस मेजर करते हैं। जैसे आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से अलग है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से क्लासिफाइड हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स या नोबल गैसेस, तो उनका सबका रेडियस हम लोग या तो वंडरवाल रेडियस या मेटालिक रेडियस या पीछे बताया आपको कोवेलेंट रेडियस के रूप में मेजर करके बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एटॉमिक रेडियस है इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल पीपी, तो हम लोग ट्रेंड में जनरली देखते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कैसा होता है और पीरियड में बाएं से दाहिने जाने से कैसा होता है।
तो कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस अप टू हेलोजन ग्रुप. अप टू हेलोजन ग्रुप और हेलोजन का ग्रुप आपको पता है 17 नंबर ग्रुप हेलोजन है, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन है. तो हम लोग यहां हेलोजन ग्रुप क्यों लिखते हैं, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हेलोजन के बाद नोबल गैस है 18 नंबर ग्रुप में है और नोबल गैसेस थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, जैसे आर ऑफ एनी और आर ऑफ फ्लोरीन ये कंपेयर किया जाए तो नियोन इज स्लाइटली लार्जर देन फ्लोरीन, जबकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से इसको घटना चाहिए. तो अभी मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस में हम लोग कोवेलेंट रेडियस नहीं नाम बनाते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं, हम उसमें वंडरवाल रेडियस मेजर करते हैं. बॉन्ड नहीं बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनने में चार्ज क्लाउड का ओवरलैपिंग होता है. तो जब चार्ज क्लाउड ओवरलैप होगा तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस थोड़े नजदीक हो जाएंगे और वंडरवाल रेडियस में वंडरवाल इंटरेक्शन में कोई चार्ज क्लाउड ओवरलैप नहीं करता है तो न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो नियोन है या आर्गन है तो ये आर्गन भी थोड़ा सा क्लोरीन से भरा होगा. तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन रहता है जिसको आप देख सकते हैं. दूसरा है कि ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज करता है, ये हम सभी लोग समझते हैं. अब है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऊपर से नीचे आने में रेडियस इंक्रीज किया और इधर से इधर जाने में डिक्रीज किया. तो सिंपल आंसर जो बच्चे जानते रहते हैं वो ये कहते हैं कि सर ऊपर से नीचे आने में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस और एन को हम लोग सेल से भी कहते हैं कि सेल इंक्रीज कर गया. दोनों बातें ठीक है कि सेल इंक्रीज कर गया ऑब्वियस है, जैसे सोडियम है तो सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में है, पोटासियम है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4s1 में है, रुबिडियम है तो इसमें 5s1 में है, सीजियम है तो इसमें 6s1 में है. तो यह एन का मान बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है. अब इधर जाने से रेडियस डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि यहां तो एन का मान सेम रहता है, एन सेम रहता है. जैसे सोडियम से पोटासियम में गए, मैग्नीशियम में गए तो यहां पर 3s2 में है तो एन का मान दोनों के लिए 3 हुआ तो रेडियस सेम रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रेडियस थोड़ा डिक्रीज करता है. तब आप आंसर करते हैं कि रेडियस क्यों डिक्रीज करता है, तो आप कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, इसीलिए रेडियस घट गया. अब मेरा सवाल यह है कि न्यूक्लियर चार्ज तो यहां भी इधर आने से भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है, पोटासियम में 19 है, रुबिडियम में आपको 37 हो गया, 18 जोड़ दीजिए फिर 18 एक बार और जोड़ दीजिए तो सीजियम में 55 हो गए. तो जब सोडियम से मैग्नीशियम जाने में सिर्फ एक प्रोटोन बढ़ गया तो रेडियस डिक्रीज किया, तो 8 प्रोटोन बढ़ने से या 18 प्रोटोन बढ़ने से तो ज्यादा डिक्रीज, ज्यादा एट्रैक्शन फोर्स होगा, 8 गुना ज्यादा होगा या 18 गुना ज्यादा होगा, तो एक डिक्रीज का इफेक्ट भी होना चाहिए. और हो सकता था कि डिक्रीज का इफेक्ट चार्ज के बढ़ने के कारण जो एट्रैक्शन फोर्स बढ़ा उसके कारण सेल बढ़ने से जो बढ़ रहा था उस दोनों फैक्टर को नलीफाई कर देता, कैंसिल आउट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो न्यूक्लियर चार्ज कहने से काम नहीं चलेगा, हमको यहां क्या कहना पड़ेगा, तो इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज हम इसमें एक टर्म लगा देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब आप में से ज्यादातर लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम सुने होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको हम लोग जेड स्टार से लिखते हैं या जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है. हाँ जेड क्या है, तो जेड है एटॉमिक नंबर, सभी लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर,
और सिग्मा क्या है? तो सिग्मा कहलाता है शील्डिंग कांस्टेंट। तो एक नया टर्म आ गया, ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट। तो थोड़ी सी चर्चा हम यहां पर जब एटॉमिक रेडियस हम पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन कैसे करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिफाइंड एज नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस दैट अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे देखिए इसको, यह नेट चार्ज क्या हुआ? जैसे सोडियम के केस में हम लोग देखें कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, यहां पर 11 प्रोटॉन है, लेकिन यह सोडियम के कई तीन ऑर्बिट्स हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है 3s1 का इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कुल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यह 11 प्रोटॉन जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन के सबसे नजदीक है और यह 2 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपनी ओर खींचता है, लेकिन यह दो यह जब इस सेकेंड ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जाएगा तो यह उसके पहले अपने इनर इलेक्ट्रॉन से शील्डेड हो गया, इसको हम लोग शील्डिंग कहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्लाउड इसको फर्स्ट ऑर्बिट में सील्ड कर रहा है, इसीलिए ये जो सेकेंड ऑर्बिट में अब ये 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्लाउड है, ये 8 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज क्लाउड है इसके ऊपर 11 प्रोटॉन का के बराबर का फोर्स नहीं जाएगा अट्रैक्ट करने के लिए, यह फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यह अपने इनर इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से सील्ड हो गया, उसको ये कवर कर लेगा। जैसे आप देखते होंगे किसी बड़े वीआईपी को कि जब वो चलते हैं तो उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स या ऐसे आर्मी के लोग, तो उनको एक घेरा बना करके रखते हैं इनर कोर के एसपीजी के लोग या और भी दूसरे लोग, पुलिस के लोग, जो उनको एक घेरा बनाते हैं। तो हम भले वो दिखते हैं कि वो भीड़ में है लेकिन भीड़ का लोग उनके नजदीक नहीं आ पाते। तो यही शील्डिंग है कि वो न्यूक्लियस जो है अपने इनर इलेक्ट्रॉन से शील्डेड है तो बाहर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये जो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है 3s में, जिसको हमने यहां दिखाया है, इसके ऊपर तो फोर्स और भी घट गया क्योंकि इसमें 2 लेवल की शील्डिंग हो गई, एक इनर फर्स्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन 2s वाले से, फिर s और p वाले इलेक्ट्रॉन से जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सेकेंड ऑर्बिट के, और तब जो फोर्स बचेगा इसके लिए थर्ड सेल के लिए वह फोर्स नेट चार्ज के हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और वही चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है या इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है या इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है वो कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक ही एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्ट करता है उसको अपनी ओर, उसका मान बदलता जाता है। इसलिए हमने डिफाइन किया है कि नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस दैट अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब बात होती है वैलेंस सेल की, तो वैलेंस सेल पे जितना फोर्स लगेगा वह फोर्स ही एटम के साइज को डिटरमाइन करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है, इस शील्डिंग कांस्टेंट का दूसरा नाम स्लेटर्स कांस्टेंट भी है।
तो स्लेटर का नाम क्यों आया? तो स्लेटर ने क्वांटम मैकेनिकली इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को या जो शील्डिंग कांस्टेंट है सिग्मा, इसके वैल्यू को निकालने के लिए काम किया। इसलिए उनके ऑनर में हम लोग इसको स्लेटर्स कांस्टेंट कहते हैं। और नेक्स्ट डे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा स्लेटर्स कांस्टेंट बाय सिंपल रूल्स। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑनर्स क्लास के बच्चों के लिए खास तौर से जानना जरूरी है, उनको नोट्स में भी ये पूछा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है और इसका इम्पैक्ट एटॉमिक रेडियस पर, आयनाइजेशन एनर्जी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ऐसे सारे फैक्टर्स पे पड़ता है। तो यह जानना आपके लिए काफी जरूरी होगा। और जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो वेरिएशन है वो ग्रुप में आने से कॉन्स्टेंट रहता है और इधर जाने से इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को हम लोग इससे समझ सकते हैं कि रेडियस का ट्रेंड चूंकि इधर जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो रेडियस डिक्रीज करेगा, और नीचे आने से ये कांस्टेंट रहता है और एन का मान, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है इसलिए ये इंक्रीज करता है। तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रेडियस के जनरल ट्रेंड को समझ सकते हैं। हालांकि कई सारी इरेगुलरिटीज है, जनरल ट्रेंड से वेरिएशन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।